પ્રિયંકા ગાંધીના બનાસકાંઠા પ્રવાસને લઈને પાલનપુર ખાતે કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ। बनासकांठा जिला में लोकसभा की चूंटणी प्रचार प्रसार अंतिम चरण में चाली रह्यो छे त्यारे राजकीय पार्टी दिग्गज नेताओं सभाओ गजवी रहा छे। बुधवार देश वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी डीसा खाते सभा संबोधी हती ने कांग्रेस उम्मीदवार केनीबेन ठाकुर माटे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लाखणी खाते 4 मेना रोज सभा संबोधन करने कोई जिला कांग्रेस द्वारा पालनपुर खानगी होटल खाते प्रेस कॉन्फरन्स योजाई थी जेमा राजस्थान सिरोहीना पूर्व धारासभ्य संयम लोढ़ाए प्रेस कॉन्फरन्स संबोधी थी जेमा जिला कांग्रेस कार्यकारी प्रमुख डामराजे राजगौर अने कांग्रेस लोकसभा चूंटणीना कोओर्डिनेटर मुकेश चौहान उपस्थित रहता जेमा मीडिया ने संबोधन करता सिरोहीना पूर्व धारासभ्य संयम लोढ़ाए जणाव्यु के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी 3 मेना रोज लाखणी खाते सभा संबोधवाना हता परंतु पोते रायबरेली थी लोकसभा उम्मीदवार तरीके उम्मीदवारी पत्र भरवाना होय कार्यक्रम में फेरफार करवामां आवे छे ते आगामी 4 मेना रोज लाखणी खाते सभा संबोधन करशे। आम प्रियंका गांधी कार्यक्रम में फेरफार थता प्रेस कॉन्फरन्स करवामां आवी हती ने मीडिया अने माहिती आपवामां आवी हती। देश की लोकप्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी 4 मई को बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र के लाखणी गांव में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती गैनीबेन ठाकुर के समर्थन में विशाल चुनाव सभा को संबोधित करेगी। पहले ये 3 तारीख को उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ था लेकिन अब अत्यावश्यक कारणों से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और वो 3 के स्थान पर 4 मई को बनासकांठा के लाखनी गांव में आएगी। पूरे बनासकांठा जिले में और आसपास के क्षेत्र में उनके कार्यक्रम को लेकर के भारी उत्साह है और लाखों की संख्या में भाई बहन उनको सुनने के लिए लाखनी पहुंचेंगे। आप सब के माध्यम से भी मेरी नागरिकों से भाई बहनों से युवाओं से छात्रों से महिलाओं से अपील है कि वे अधिकाधिक संख्या में लाखनी पहुंचकर 11 बजे 4 मई को कार्यक्रम को सफल बनाएं।